अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। क्या आपको पता है कि सिग्नल और व्हाट्सएप दोनों को बनाने वाला एक ही पर्सन है? और क्या आपको पता है कि जिन्होंने व्हाट्सएप बनाया उन्होंने व्हाट्सएप को ही क्यों छोड़ दिया? और क्या आपको पता है कि सिग्नल ऐप क्या है? सिग्नल ऐप तो इंस्टॉल सभी लोग कर रहे हैं और करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है सिग्नल ऐप है क्या और सिग्नल ऐप में खास क्या है और इसकी धूम क्यों है। तो आज इस वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पॉज करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट्सएप को बनाया गया था 2019 में और इसको बनाने वाले दो पर्सन थे जिनका नाम था ब्रायन एक्टन और जैन कूम। और ये सबसे पहले याहू कंपनी में काम किया करते थे और इन्होंने याहू कंपनी को अलविदा कहने के बाद 2009 में इन्होंने व्हाट्सएप को बनाया। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता चलूं कि व्हाट्सएप को पहले चलाने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते थे और फरवरी 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया $19 बिलियन में और उसके बाद से व्हाट्सएप फ्री हो गया सारे लोगों के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि भाई ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप को क्यों छोड़ा। ब्रायन एक्टन ने इसके बारे में बताया कि भाई पैसे के विवाद को लेके जिसकी वजह से ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप को छोड़ दिया। और एक्टन ये भी कहते हैं कि व्हाट्सएप को फेसबुक से बेचकर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की। और उनका कहना यही है, फेसबुक से उन्होंने व्हाट्सएप को बेचा नहीं बल्कि उन्होंने यूजर्स की प्राइवेसी को बेच दिया था, ये बात उनको समझ में आ चुकी थी। और उनका कहना है कि इस गलती के सहारे मैं डेली जी रहा हूं। और इस गलती को सुधारने के लिए ब्रायन एक्टन ने क्या किया, उन्होंने सिग्नल मैसेजिंग ऐप बनाने का फैसला किया, जहां पे मोटिव यही था कि यूजर्स की प्राइवेसी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए। अब सवाल यह है कि सिग्नल ऐप है क्या, तो मैं आपको बता दूं, सिग्नल ऐप एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन चलाता है जो कि सिग्नल फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। सिग्नल कैलिफोर्निया का बेस्ट ऐप है। व्हाट्सएप छोड़ने के बाद ब्रायन एक्टन को व्हाट्सएप यूजर्स के प्राइवेसी को लेके काफी ज्यादा चिंता सताने लगी और यहीं पे लिया गया सिग्नल ऐप बनाने का फैसला। और उसके बाद ब्रायन एक्टन और मॉक्सिन मार्लिन स्पाइक ने मिलकर सिग्नल ऐप बनाना स्टार्ट कर दिया जो कि आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। और अब फाइनली क्या हुआ कि 2018 में सिग्नल ऐप बनके तैयार हो गया और उसके बाद कैलिफोर्निया में काफी ज्यादा फेमस हो गया। अब इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि सिग्नल ऐप इतना खास क्यों है, उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि ये इनक्रिप्टेड ऐप है। आप जब भी चैट या मैसेज या कॉल करते हैं तो वो इंड टू इंड जो है वो इनक्रिप्टेड होता है, आपके मैसेजेस, आपकी कॉल, आपके टेक्स्ट लीक नहीं होते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि ये ओपन सोर्स है। अगर आपको ओपन सोर्स नहीं पता है तो गूगल करके पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा ओपन सोर्स के बारे में। और अगर आप प्राइवेसी के मामले में देखें तो ये व्हाट्सएप से कहीं आगे है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपके डेटा को किसी और सर्वर पे स्टोर नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर आप ये समझे कि इसको हैक कर लें या फिर सिग्नल फाउंडेशन कहीं पे अगर ये चाहे कि आपके डेटा को कहीं और सर्वर पे स्टोर करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कहता है सिग्नल। जबकि व्हाट्सएप ये कहता है कि वो इंड टू इंड इनक्रिप्टेड है, उनके मैसेजेस कॉल को एक्सेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहीं पे प्राइवेट इंफॉर्मेशन जैसे कि आईपी एड्रेस, ग्रुप डिटेल, स्टेटस को एक्सेस किया जा सकता है। और यहीं पे अगर बात की जाए व्हाट्सएप के अलावा सिग्नल की, तो सिग्नल में सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सेस किया जा सकता है तो वो है आपका फोन नंबर। सिग्नल ऐप की इस वक्त काफी ज्यादा धूम है और अगर इसकी ग्रोथ रेट देखा जाए तो वो 16% है और अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाए तो उसमें 30% जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो इंडिया की है। और व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद इसको काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और भारत में अगर बात करें तो इसको काफी ज्यादा डाउनलोड किया जा रहा है। भारत में इसको 79% तक डाउनलोड का ग्रोथ देखा गया है। और अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में, 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में 75 लाख बार इसको इंस्टॉल किया गया है। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप और सिग्नल के को फाउंडर से रिलेटेड जिन्होंने सिग्नल ऐप तैयार किया 2018 में और उसके बाद नई प्राइवेसी पॉलिसी की कंट्रोवर्सी के बीच में सिग्नल काफी तेजी के साथ लोगों के बीच में पसंद किया जा रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि इसमें कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें व्हाट्सएप पे और अपने दोस्तों को ताकि उनको भी पता चल सके इसके बारे में कि व्हाट्सएप और सिग्नल को बनाने वाला कोई और ही नहीं, एक ही आदमी है।